और फ्रेशर के लिए वैकेंसी है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, लॉ की डिग्री हो चाहे 3 साल वाली 5 साल वाली अप्लाई कर सकते हैं। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, लॉ की वैकेंसी है और काफी अच्छा नंबर है वैकेंसी का, और फ्रेशर के लिए वैकेंसी है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, लॉ की डिग्री हो चाहे 3 साल वाली 5 साल वाली अप्लाई कर सकते हैं। और एज भी बताऊंगा, एग्जाम का प्रोसेस भी बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें किस में वैकेंसी आई है। ये आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई है। एडवर्टाइज मतलब वैकेंसी का नंबर है 03-2023। फोटो आएंगी सबकी, आराम से पॉज करके देख लेना। अब बात कर लेते हैं, इसमें 6 वैकेंसी निकली है। तो लॉ ऑफिसर की बात कर लेते हैं, ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसी निकली है। देखो, जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, और मतलब काफी वैकेंसी है। अपन लॉ की बात कर लेते हैं, 6 नंबर की देखो वैकेंसी, 18 वैकेंसी निकली है लॉ की, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। 10 वैकेंसी जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है। तो ये वैकेंसी है, टोटल 18 वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसकी और चीजें, मैक्स एज क्या लिमिट है। एज लिमिट बता देता हूं मैं आपको, अपना जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है उसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 27 साल, और ये 4/9/2023 तक है। 27 साल वाले मैक्सिमम एज है, पर एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, और 10 साल फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है। और बाकी इसमें लिखा हुआ है, देख लेना, एक्स सर्विसमैन, बाकी से डिटेल में लिखी हुई है। फोटो आ रही है, आराम से पॉज करके देख लेना। मैंने आपको बेसिक बता रहा हूं मैं आपको सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, क्वालिफिकेशन है जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, लास्ट में लिखा हुआ है लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, और एनरोल होने चाहिए, एनरोलमेंट मांगा है इसमें एडवोकेट का। आप एनरोलमेंट होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते, मतलब एनरोलमेंट होना चाहिए आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसका मतलब आपकी डिग्री भी होनी चाहिए, अपेयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते, और एनरोल होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। और कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं लिखी हुई इसमें कहीं पे भी, आप लोग पढ़ लेना आराम से पॉज करके, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें, आप बस एनरोल होने चाहिए बार काउंसिल में। और जो ओबीसी कैटेगरी से है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, जो एससी एसटी कैटेगरी से है उनको 5 साल का है, जो फिजिकल हैंडीकैप है 10 साल का है। जो मैक्सिमम एज है ना उसके बाद, जैसे मैक्सिमम एज है 27 इसमें, तो 3 साल बढ़ा दो ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल बढ़ा दो, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल बढ़ा दो, तो वो फिल कर सकते हैं इसको। और बाकी जो बचे वो 27 साल, मैक्सिमम एज 27 साल बताइए, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसकी डेट बता देता हूं कब से चालू है इसका फॉर्म, ये 5/8/2023 से चालू है। अभी डेट है इसकी अगले महीने से चालू होगा 5 तारीख से। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको पहले ही पता चल जाएगा, तो फॉर्म मिस नहीं होगा। और लास्ट डेट है 4/9/2023, 4/9 लास्ट डेट है इसकी, और एग्जाम की डेट ही अनाउंस कर देंगे बाद। अब इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, बेसिक पे रहेगी इसमें 31,000 से लेकर 90,000 के आसपास, और बात आती है साल भर की सैलरी 13 लाख के आसपास रहेगी। आप लोग पढ़ लेना, साफ साफ लिखा है जूनियर एग्जीक्यूटिव में 13 लाख की सैलरी साल भर की होगी, तो आप लोग का पैकेज बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें सब कुछ मिलेगा, बेसिक पे, डीए और एचआरए मिलेंगे, अदर बेनिफिट भी मिलेंगे, सिक्योरिटी स्कीम भी, मेडिकल बेनिफिट, सारे बेनिफिट मिलेंगे जो जो अलाउंसेस रहते हैं सैलरी के अलावा, साफ साफ लिखा है, पढ़ लेना आराम से पॉज करके। और इसको सिलेक्शन प्रोसेस भी बता रखा है, पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और बाद में सेलेक्ट होने के बाद आपको बुलाया जाएगा, मेडिकल होगा और मतलब फिजिकल सब देखेंगे। पढ़ लेना, बहुत बड़ा फोटो में लिखा हुआ है क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का ही बता रखा है, ऑनलाइन जाके अप्लाई करना पड़ेगा। बट अभी फॉर्म, आप लोग के डाउट क्लियर कर दूं वापस, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, इसकी डेट है। फिर आप लोग पूछोगे सर अभी फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा, साइट चल ही नहीं रही, कुछ बच्चे ढंग से वीडियो देखते नहीं है, विदाउट मतलब स्किप करते देखते हैं वीडियो, तो ये छूट जाती है चीजें। अभी इसकी चार इसकी डेट यार कहां गई, अभी बताया था 5/8/2023 से चालू होगा अगले महीने,
तो अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, अगले महीने से स्टार्ट होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ऑनलाइन भरा जाएगा। ये अप्लाई का प्रोसेस आपके पास आ रहा है, आराम से पॉज करके देख लेना। और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी इसमें, और इसकी जो एप्लीकेशन फीस बताया था मैं आपको, 1000 रुपये है एप्लीकेशन फीस, और GST इंक्लूडेड है उसमें, और जो SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है उसका उनकी फीस सबमिट, ये देख लेना आराम से पढ़ लेना, ये फीस का प्रोसेस है। जनरली मैंने आपको बता दी 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी डिटेल में जो है इसका। और काफी अच्छी वैकेंसी है, 18 वैकेंसी है लॉ एग्जीक्यूटिव की, और एक तरीके से लॉ की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, तो मिस मत करना। जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने अभी लॉ ग्रेजुएट करी है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा रखा है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एनरोलमेंट नहीं करा था, लॉ तो कर ली उन्होंने, एनरोलमेंट ही नहीं कराया, साल भर बाद कराते हैं, तो ये गलती मत करें, एनरोलमेंट करवा लो जैसे ही आप पास आउट होते हो, और मेंबरशिप भी लो आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की, उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आती है इसमें, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, तो इसलिए करवा लेना एनरोलमेंट भी और मेंबरशिप भी लो। और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर जाना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, और सिविल जज की वैकेंसी है उस पर वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है उस पर वीडियो आता है, कोई भी वैकेंसी है लॉ के ऊपर मैं वीडियो बना के बता देता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ, और मैंने MP बहुत सारे स्टेट कवर कर रखे हैं, 13 से 14, देखो आप जाके, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के सिविल जज को क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या सैलरी है, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। आपसे मिलेगा अगले वीडियो में।